अधिकारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री भाई? तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं वो, बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पर बना देगा कोई, पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए, एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें भाई। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए, और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री जी। ऊर्जा मंत्री तो कहते हैं कि जब लोग दंगा करेंगे, तो भाई बस यही अब रह के, यही तो हम बोले ना, आईपीसी की सारी धाराएं खत्म कर दीजिए भैया, कानून की किताबों को जला देंगे। इनके पास सिर्फ लाठी गोली ही एक समाधान बचा है। बात आप किसी से करेंगे नहीं, समस्या का समाधान आप निकालेंगे नहीं, तो क्या करेगा भैया कल को एक बिहारी? छात्र आज भी परेशान है भैया, 3-3 साल के कोर्स के लिए। कल हम लोग गए थे, परसों गवर्नर के साथ हम लोग की बैठक थी, इनके सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं बिहार से, उन सब ने बायकॉट किया उस बैठक का भाई। वहाँ पे जाते, वहाँ पर जाकर गवर्नर के सामने आप अपनी बातों को रखते, हम लोग तो गए भैया, हम लोगों ने रखा उच्च शिक्षा को लेकर जितनी अनियमितता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक यहाँ पे समाप्त नहीं होता, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं वहाँ पे, उसको नहीं भरा जा रहा है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इन तमाम बातों को अगर कल को लेकर अगर छात्रों में अगर आक्रोश और बढ़ता है तो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। अभी तक अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से आप अत्याचार आप कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, पहले सीटेट बीटेट, उसके बाद बीपीएससी का आपने बहाना बनाया, सारी चीज़ें होने के बाद डोमिसाइल नीति को आप उसमें से हटा देते, तो कल को जब वो और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि बातचीत से आप समस्या का समाधान तो ये लोग निकालते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? कल को सारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर भी गोली चलाएंगे, किसान सलाहकार जो सड़क पर आते हैं बार बार उन पर गोली चलाएंगे, पासी समाज के लोग आज ताड़ी को लेकर इतने, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला, तो कल को उनके पे, तो एक ही बार नियम बना ही दीजिए ना भैया कि जो सड़क पर उतरेगा, सांसदों के ऊपर आप इस तरीके से लाठी चला रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उतरे थे, उनके विधायक, उनके सांसद, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ फूटा, कार्यकर्ताओं पर, तो एक ही बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता देना कि भैया यहाँ पर एक महाजंगल राज चल रहा है, और इस महाजंगल राज में कानून की कोई भी धाराएं यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ लाठी इस्तेमाल की जाएगी, और उस पर भी अगर आप लोग नहीं खामोश हुए तो गोली आपके ऊपर चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।